हेलो एंड वेलकम टू पलक क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ लेके आया हूँ। ये सीरीज़ आप लोगों को क्लास 10, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आने वाला है। इस सीरीज़ का यह पहला वीडियो है और यह इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताना चाहूँगा। इस वीडियो का कंटेंट रहेगा डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन एंड नाउन फ्रेज, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन काउंटेबिलिटी, नाउन जेंडर। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो और यह चैप्टर में। डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, इंस्टीट्यूशन और थिंग। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंस्टीट्यूशन वर्ड भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, जो कि आप लोग क्लास 10 या 12 के जितने भी बुक्स हैं उसमें आप नहीं देखते होंगे, या वर्ड नहीं रहता है वहाँ पे। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग का नाम या कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस हुआ, वो भी तो एक नाउन है लेकिन डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं रहता है। अब थिंग। हियर अ थिंग इंक्लूड्स अ मटेरियल, एग्जांपल सिल्वर, अ क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल फियर, अ कलेक्शन, इसमें आते हैं फ्लॉक, क्लस्टर, अ स्टेट, अडेरेंस, अडेरेंस मतलब चिपका हुआ, अटैच किया हुआ, ठीक है, एन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल चीट या मूवमेंट, एक्शन मतलब काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउन एंड नाउन फ्रेज। अ नाउन इज समटाइम्स कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड नाउन, एग्जाम्पल टीचर लव्स देयर पीपल। टीचर यहाँ पे नाउन है जो कि अ सिंगल वर्ड है, ठीक है। बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन इन एडिशन विथ एन एडजेक्टिव और अ डिटरमाइनर। एग्जाम्पल अ गुड टीचर लव्स देयर पीपल्स। यहाँ पे अ है डिटरमाइनर या आर्टिकल बोल सकते हैं, गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव और टीचर यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है। तो अ गुड टीचर यहाँ पे हो जाता है नाउन फ्रेज। आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। यहाँ पे 5 काइंड्स ऑफ नाउन आप लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दैट इज अ नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल मैरी, रवि, गंगा, एवरेस्ट। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि अ सेंटेंस या एक कोई पैराग्राफ या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या रियल वर्ल्ड में वो इंडिविजुअल ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैरी, रवि, गंगा, एवरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन में। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास, not to a particular person or thing. Example, boy, girl, man, woman, dog, cow. यहाँ पे कोई individual person का नाम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन a particular class या kind के नाम को ही बोला जाता है common noun में, ठीक है। Collective noun. A collective noun is the name of a collection, group of people or things of same kind. ठीक है। तो example है team, class, क्लस्टर। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग या फिर कोई भी लिविंग बीइंग है उसका सेम काइंड है तो उसके नाम को यहाँ कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मटेरियल नाउन में। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक्स एज वेल। एग्जाम्पल है आयरन, सिल्वर, कैल्शियम, राइस, मिल्क, टी। तो जितने भी मटेरियल है नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो उनके नाम को यहाँ पे मटेरियल नाउन बोला जाता है। नोट है अ मटेरियल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अ कॉमन नाउन इज़ यूजुअली अकाउंटेबल नाउन बट अ मटेरियल नाउन इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मटेरियल नाउन एक तरह का कॉमन नाउन भी है
लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉमन नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट मटेरियल नाउन जैसे राइस, मिल्क, टी है, ये सब को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, ब्यूटी, लव, फियर, स्वीटनेस, चाइल्डहुड। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक लिविंग बींग के अंदर होता है, जैसे स्वीटनेस, लव, फियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नाउन का काउंटेबिलिटी में। तो फर्स्ट है, नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। इसमें आते हैं जैसे कोई भी लिविंग बींग होगा, प्रॉपर नाउन को हम लोग, जो जितने भी प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, वो सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जितने भी मटेरियल नाउन और आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चीज़ हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। फिफ्थ है नाउन के जेंडर, ठीक है। जेंडर इज ऑफ फोर काइंड्स। फर्स्ट है मैस्कुलिन, डिनोट्स मेल। सेकेंड, फेमिनिन, डिनोट्स फीमेल। नेक्स्ट है कॉमन, डिनोट्स मेल एंड फीमेल। न्यूटर, डिनोट्स नाइदर मेल और फीमेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन जेंडर के, बॉय, मैन, ब्रदर। फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं गर्ल, वुमेन, सिस्टर या आंटी भी बोल सकते हैं। कॉमन के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इसमें कोई भी प्रोफेशन आ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर, जिसमें गोल्ड, राइस, फ्लावर, जिसमें कोई भी जेंडर नहीं होता है, ठीक है। मैं होप करूँगा इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।